फ्यूचर का इनोवेशन काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है जो कि आने वाले वक्तों में एक नया ट्रेंड पैदा कर सकता है, इवन के पूरे इंटायर फ्यूचर टेक के एक्सपीरियंस को रीडिफाइन कर सकता है। जैसे कि आपके एक टच से आपके कॉल का कलर चेंज हो सकता है, आप वर्चुअल दुनिया की किसी भी चीज़ को फील कर सकते हो, इवन के आप किसी फ्लाइंग कार में बैठ करके इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर इन्हीं अमेजिंग टेक को हम लोग देखते हैं बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। BMW 9 Flow। वेल, जब भी कोई नई कार डिज़ाइन की जाती है तो उसे एक स्पेसिफिक कलर से रंग दिया जाता है और वो कलर हमेशा इसमें ऐसा ही रहता है जब तक कि खुद उसका ऑनर इसे रीपेंट ना करवा ले। और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च भी है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन फ्यूचर में आप इसे कुछ ही मिनटों में अपने एक क्लिक के जरिए चेंज कर सकते हैं। और इस कार को जो आप देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट कार है जिसे दुनिया की सबसे फेमस कंपनी BMW ने डिज़ाइन किया है। असल में एक इलेक्ट्रिक कार है और ये ऑटोमेटिकली अपने कलर को चेंज कर सकती है। इसके अंदर खास किस्म का ई इंक को यूज़ किया गया है और ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन की वजह से अपने कलर को चेंज कर लेता है। वैसे जो भी हो, फ्यूचर का इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। सैमसंग फ्री स्टाइल। वैसे तो हम लोग सैमसंग के काफ़ी सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं डेली लाइफ में और सैमसंग का जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिवोल्यूशनरी होता है और बाकी प्रोडक्ट की तरह ये भी काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। देखा जाए तो ये एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर है और इसके अंदर स्मार्ट टीवी के तमाम फीचर्स ऐड किया गया है। इस प्रोजेक्ट में AI सिस्टम और सेंसर्स भी लगाए गए हैं। अगर गलती से इसका इमेज टेढ़ा हो जाए तो सेंसर इसे खुद ब खुद सीधा कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी मौजूद है जो आपको ऑन टाइम इमेजेस निकाल के दे देगा। अगर आपकी डिस्प्ले सरफेस फ्लैट नहीं है तो भी ये इसे एडजस्ट कर देगा। वेल, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है इस बात को अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यूरो। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हमें एक डिलीवरी बॉय हमारे घर तक डिलीवर कर देता है, लेकिन इस व्हीकल को जो आप देख रहे हैं ये फ्यूचर में इन डिलीवरी बॉयज़ को टोटली रिप्लेस कर देगा। असल में एक ऑटोमेटिक डिलीवरी व्हीकल है जो खुद ब खुद चलती है। वैसे जब भी आप में से कोई शख्स ऑर्डर प्लेस करेगा तो कंपनी वाले उस चीज़ को इस व्हीकल में रख देंगे और साथ ही साथ इसमें आपके दिए गए लोकेशन को सेट कर देंगे। इसके बाद ये खुद ब खुद आपके दिए गए एड्रेस तक पहुँच जाएगी और जब भी आपको घर के रीच कर जाएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन पुश किया जाएगा, उसके बाद अपने सामान को से ले सकते हैं। वैसे आप लोग क्या लगता है, इंडिया में इस तरह की टेक्नोलॉजी कब तक आएगी? आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेल वेदर एफटॉल। दोस्तों, हम लोगों ने तो हॉलीवुड के काफ़ी सारे साईफाई मूवी में फ्लाइंग कार को उड़ते हुए देख लिया है, लेकिन यही चीज़ें अब रियलिटी में बदलने वाली है क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2028 में फ्लाइंग कार आम हो जाएगी। लोग जैसे हवाई जहाज में उड़ा करते हैं उसी तरह लोग गाड़ियों में भी उड़ा करेंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अभी एक प्रोटोटाइप है जिसे UK की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है और इसकी डेवलपमेंट में भी काम शुरू हो चुका है। इस कार का नाम बेल वेदर रखा गया है और इसको देख करके आपको ज़रूर किसी साईफाई मूवी का याद आ जाएगी क्योंकि इसका लुक्स काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। डेवलपर्स के मुताबिक इस कार की जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो 230 किलोमीटर पर आवर होगी और ये 3000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लैंडिंग और टेक ऑफ भी वर्टिकल होगी ताकि इसे उड़ाने या लैंडिंग करने के लिए किसी स्पेशल जगह की जरूरत ना पड़े। वैसे आप लोग क्या लगता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी कब तक आ पाएगी फ्यूचर में, इस बात को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेंस क्लब। VR में दिखने वाले जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे तो हम लोग देख सकते हैं लेकिन छू कर कभी फील नहीं कर सकते, लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो चुकी है जिसकी हेल्प से आप इन चीज़ों को टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। यस, ये चीज़ सेंस क्लब की वजह से पॉसिबल हो पाया है और इसे नीदरलैंड की एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है। इसकी हेल्प से आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट को छू भी सकते हैं। आप इस ग्लव को अपने थंब, इंडेक्स, रिंग फिंगर में फिक्स कर सकते हैं और जब भी आप किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के नज़दीक अपने हाथ को करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप इस चीज़ों को रियल में कर रहे हैं। वेल, ये गैजेट उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है जिन्हें VR हेडसेट रखने का काफी ज्यादा शौक है। वैसे आप लोगों ने कभी किसी वर्चुअल रियलिटी को यूज किया है कि नहीं, आप इस बात को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।